नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। आप देख रहे हैं एसके टीवी गुरबानी न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ परमजीत सिंह। इस वक्त तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आज मीती 30 नवंबर 2022 है। जी हां, आज तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में नई कमेटी का किया गया संगठन। जी हां, तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से बहुत ही बड़ी खबर। सबसे पहले एसके टीवी गुरबानी न्यूज में आप देख रहे हैं, तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में प्रधान महेंद्रपाल सिंह ढिल्लन को बनाया गया और जनरल सेक्रेटरी की सेवा राजा सिंह को दी गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं एसके टीवी गुरबानी न्यूज में। बने रहे हमारे साथ और देखिए खबरें पूरी। यानी बाल सिंह के ऊपर एक आदेश बहुत समय पहले पास हो गया था। जो पूर्व के प्रबंधक थे वो अपने डिक्टेटरशिप तानाशाही के रवैये के अनुसार उसे कार्य पूरा नहीं कर रहे थे। इसमें जिला जज का स्पष्ट आदेश था कि उनका ज्वाइनिंग कराया जाए, उनका ओरिजिनल अगर है इस्तीफा बुलाएं। जो लोग नहीं दे सके एक किया था, दूसरा था कि अपने अवतार से हित जो जिनका निधन हो गया है आज से 3 महीना पहले ही, जिसके करके यहाँ बैठक नहीं हो रही थी और उस पद को भरना था। साथ ही साथ महासचिव इंद्रजीत सिंह जो थे, जो आरोप के तहत उनको तनखैया हुआ है, तनखैया होने से वो भी सिखा रही थी। तो एक पर महेंद्रपाल सिंह जी ढिल्लन जो पूर्व के महासचिव थे उनको अध्यक्ष पद मिला और दास को, राजा सिंह को महासचिव का पद मिला। जो सेवा देख पहला देखा है आज भी देखेंगे, पहले बतौर सचिव देखते थे, उस समय की लोकप्रियता के अनुसार ही आज मुझे फिर महासचिव का पद मिला है। इसके लिए मैं पटना निवासी बाहर से आए तीर्थयात्री यहाँ के स्टाफ सबका हार्दिक अभिनंदन है मेरा। आजकल कितने मेंबर हैं? कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर, 9 मेंबर हैं वर्तमान में, जिसमें एक सनातनी सिख सभा का मैटर न्यायालय में लंबित है, बाकी 4 लोगों का निधन हो गया है जिसकी जगह अभी उनका खाना पूर्ति नहीं हुआ है। तो आज 9 में से 4 मेंबर नहीं आए, 5 मेंबर उपस्थित थे और उन्होंने निर्णय लिया है जो जिसके तहत इनको आज वापसी यानी इकबाल सिंह जी का, और अब बहुत दिनों से एडिशनल हेड गारंटी चले आ रहे थे जिनको हेड गारंटी भाई बलदेव सिंह जी को बनाया गया। कमेटी का इस निर्णय के लिए हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि पूर्व मामला कभी दूर थोड़ी होता है, हाईकोर्ट में कभी वकील से जितना खींचना खींचते रही, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं हुआ। मेरा सवाल बताएं आपको, अध्यक्ष महोदय के निजी पॉकेट से नहीं जाता था, गुरुद्वारे के गोलक का दुरुपयोग हो रहा था, जो वहाँ जाके खर्चते थे जिसके हम लोग विरोधी थे, और उनका निधन हो गया तो केस करने वाले का जब निधन हो गया तो केस इन्फेक्चुअस हो गया, तो कमेटी ने उसको वापस दे दिया। कमेटी वापस करेंगे ना, आज प्रेसिडेंट आएगा, प्रेसिडेंट बनेगा नहीं पार्टी, और एज ए प्रेसिडेंट उस केस को वापस लेगा।